गई है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक अनियंत्रित कार ने कई लोगों को अपनी जद में ले लिया है। भैंसाकुंड के पास कार सवार ने कई लोगों को उड़ाया है। सड़क हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, सभी को भर्ती कराया गया है। हजरतगंज थाना क्षेत्र के भैंसाकुंड के पास की ये पूरी घटना है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक अनियंत्रित कार ने कई लोगों को घायल किया है और इन घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर सभी का इलाज जारी है। तो बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। भैंसाकुंड के पास की ये घटना है, जहां पर एक कार सवार ने कई लोगों को उड़ाया है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क हादसा हुआ है और इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो भैंसाकुंड के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और तेज रफ्तार के चलते ये गाड़ी अनियंत्रित हुई और इसकी जद में कई लोग आए हैं और उन सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लखनऊ की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र के भैंसाकुंड के पास की ये घटना और इस घटना का शिकार कई लोग हुए हैं और उन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस गाड़ी से इस ये घटना हुई है और इस सड़क हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ के हजरतगंज जो थाना क्षेत्र के भैंसाकुंड के पास की घटना है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, देखिए जिस तरह से ये जानकारी सामने आ रही है कि एक अनियंत्रित कार ने कई लोगों को घायल किया है, किस वक्त की ये घटना है और क्या कुछ पूरा मामला रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि कल देर शाम की एक पूरा मामला है, जहां पर भैंसाकुंड के पास नशे में धुत कार चालक ने कई लोगों को एक साथ उड़ा दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भैंसाकुंड इलाके में जब तेज रफ्तार कार चालक ने कई लोगों को उड़ाया, उसके बाद आसपास के जो राहगीर थे उन्होंने उनकी मदद से लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि भैंसाकुंड, जिसको बैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर जो है देर रात तक जो है अंतिम संस्कार होते रहते हैं। ऐसे में उस जगह से नशे में धुत होकर लोगों को उड़ाना, जो पहले से ही परेशान है और किसी अपने को खोने के दम में वहां भैंसाकुंड पहुंचे हुए थे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, उस जगह पर इस तरीके का हादसा होना कहीं ना कहीं ये कहता है कि जो कार चालक था वो वाकई में नशे में धुत था और जो उसका नियंत्रण था कार से खो गया था। इसी वजह से कई लोगों को उसने अपने कार की चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए। बिल्कुल नीलेश, इस पूरी घटना में कितने लोग घायल हुए हैं और उनकी क्या कुछ फिलहाल स्थिति है? देखिए, बिल्कुल 3 से 4 लोग घायल हुए हैं इस पूरी घटना में, जिनको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। कहीं ना कहीं कार की टक्कर तेज थी, जिस वजह से लोग जो है सड़क पर जा गिरे थे और जिसकी वजह से उनके हाथ और पैर में चोटें आई है, जिसके कारण सिविल अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। बिल्कुल नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।